विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था। जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है। अगर पड़ोस के देश में अपने समान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं तो हम क्या करेंगे? ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, अभी हमने दी। मैं आज इस मंच से स्पष्टता से कहना चाहता हूं, मैं काफी समय चुप रहा हूं, ये कानून पारित हुआ था 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं है। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, अभी हमने दी। इनके चेहरे देखिए, हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश में निराश्रित बनकर रह गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है? इतने सालों तक तुष्टिकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य। 19 में कानून पारित होते हुए भी आज 188 परिवार यहां खुशहाल खड़े हैं, क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। और मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी सीए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो शरणार्थी मेरे भाई बहन आए हैं, उनको नागरिकता और सम्मान देने का कार्यक्रम है, अधिकार। और आज भी कुछ राज्य सरकारें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही। मैं आज मंच से देश भर के शरणार्थी भाइयों को कहता हूं कि आप बेझिझक एप्लीकेशन करिए, नागरिकता प्राप्त करिए, आराम से करिए। इससे पास्ट में अगर आपने आपकी नौकरी है तो वो चालू रहेगी, आपका मकान है वो आपके नाम पर ही रहेगा, आपके सारे काम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सुधारने, इसमें कोई क्रिमिनल केस का प्रोविजन नहीं, सबको पार्डन दिया गया है। और पार्डन इसलिए लिया है कि सरकार के कारण ये देरी हुई, आपके कारण नहीं हुई। मैंने अभी बहन को पूछा कब आई आप, तो 95 में आई। 95 से अब तक किसने देरी की? वो तो तुरंत चाहती थी मैं भारत की नागरिक बनूं, मगर किसने नहीं बन रही, सरकार ने कहा। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। और आज मुझे बड़ा दिल में बहुत संतोष है कि मेरे ही राज्य में आज 188 परिवार मां भारती के परिवार बनकर, हमारे भाई बहन बनकर हमारे साथ सम्मान के साथ। और मैं आज अपील करना चाहता हूं देश भर के शरणार्थी भाइयों बहनों को, किसी कोई भी गुमराह करे, कोई भी पार्टी करे, पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, मगर आप मत मानिएगा, ये कानून आपको न्याय देने के लिए है। आपके साथ जो अत्याचार हुए हैं, इसकी क्षमा के साथ परिमार्जन के लिए आपको सम्मान देने का कानून। जो विभाजन की विभीषिका को झेले हैं और बाद में भी जो वहां रहे, आज हमें पूछते थे संसद में मुझे विपक्ष के मित्र, क्यों ये कानून, क्यों ऐसा? मैं आज उनको कहना चाहता हूं, जब विभाजन हुआ तब बांग्लादेश में 27% हिंदू था, 27%, आज 9% है, कहां गया? जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, 27% हिंदू था, या तो वो यहां आए शरण में आए या धर्म परिवर्तन कर, क्या उनको अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म में जीने का अधिकार नहीं है क्या? अगर पड़ोस के देश में अपने समान के साथ जी नहीं सकते, हमारी शरण लेकर आते हैं तो हम क्या करेंगे? हम मुख दर्शक बनकर बैठ नहीं सकते। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, आपको न्याय मिलेगा और जरूर। और सालों से
ये शरणार्थियों की मांग थी। 19 में मोदी जी ने अपनी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला लिया, कानून पारित हुआ, आंदोलन हुए, कुछ जगह पे हिंसक घटनाएं भी हुई, जो हुआ हुआ। अंततोगत्वा 24 के चुनाव के पहले हमने रूल्स बनाकर अधिकार दे दिया और आज सर्टिफिकेट भी दे दिया आप लोगों को। आप सभी का हृदय से भारत माता की संतान के नाते इस देश में मैं स्वागत करता हूं और बड़े सम्मान के साथ आप जियोगे, इसका मैं विश्वास भी करता हूं।